आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 31 जनवरी 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दरकार है। इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ फोर पॉजिटिव कंजुगेटिव टर्म ऑफ अ जीपी आर 126 एंड अपने पास दे रखा है 1296 रिस्पेक्टिवली, देन द सम ऑफ अ कॉमन रेशियो ऑफ ऑल द जीपी, ठीक है, सारे जीपी के अपने सम निकालना, उसका अपने क्या निकालना है, कॉमन रेशियो निकालना है। चलिए यहाँ पे अपने जैसे चार टर्म अपने प्रोडक्ट में आए तो हम खुद बताए हुए कि अपने ए कॉमा क्या माना, ए अपॉन आर क्यू के बराबर, कॉमा अपने ए अपॉन आर के बराबर, कॉमा ए आर के बराबर और कॉमा ए आर स्क्वायर के बराबर, कोई दिक्कत नहीं, चार टर्म आप ये मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने कहा प्रोडक्ट में ये चीज़ काम कर जाएगा, लेकिन जैसे सम करोगे ना प्रोडक्ट निकालने के बाद ए डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन जैसे आप सम कीजिएगा ना आपका मोए मोए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपने कहा आर की पावर, यहाँ से आ गया अपने कहा 3 1 4 और यहाँ से आ गया अपने कहा 4 2 6 आ जाएगा, आर की पावर 6 आपको सॉल्व करने में ही दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, एक काम कर लेते हैं, इसको जनरली मान लीजिए, यहाँ से अपने के पास चार टर्म ऑफ जीपी है अपने के पास, किसके बराबर मान लीजिए, ए कॉमा ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर और कॉमा अपने के पास ए आर क्यू के बराबर। ये अपने के पास चार ऐसे टर्म है कंजुगेटिव टर्म जो कि अपने के पास किस में है, जीपी में है। किसी को एतराज हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। जब ये जीपी में क्वेश्चन में अपने के पास क्या करा है कि इन सारे का प्रोडक्ट दे रखा है और सम दे रखा है, प्रोडक्ट मतलब ए इंटू ए आर इंटू अपने कहा ए आर स्क्वायर इंटू अपने कहा सुना देंगे ए आर क्यू इक्वल टू किस बराबर दे रखा है, तो 12096 के बराबर, ये अपने के पास सॉरी 1296 के बराबर दे रखा है प्रोडक्ट। यहाँ से अपने कहा मल्टीप्लाई कर लो तो ए 1 2 3 4 ए की पावर 4 इंटू आर की पावर 3 2 5 1 6 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने कहा 1296 के बराबर। यहाँ से अपने कहा बताओ इसको ए आर क्यू की पावर अपने कहा 2 लिख सकते हैं क्या, इक्वल टू इसको अपने कहा बताओ इसको अपने कहा 36 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपने ए आर क्यू किसके बराबर जाएंगे, तो 36 के बराबर, किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। यहाँ से अपने ए को क्या करो, इन टर्म्स ऑफ आर बताओ, तो ए इक्वल टू आ गया अपने किसके बराबर 36 और अपॉन में अपने किसके बराबर जाएंगे आर क्यू के बराबर, किसी को कोई इतराज हमारे हिसाब से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने कहा ये इसके बराबर हो गया। क्वेश्चन में एक और चीज दे रखा है, क्या दे रखा है अपने पास, सम दे रखा है, बताओ तो ए प्लस ए आर प्लस टर्म्स ए आर स्क्वायर और प्लस टर्म्स किस बराबर दे रखा है ए आर क्यू के बराबर इक्वल टू दे रखा 1206 के बराबर, हाँ या ना। जब आपने कहा ये इसके बराबर दे रखा है, यहां से आपने कहा ए कॉमन आ रहा है, जैसे ए कॉमन आ जाएगा 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर और प्लस टाइम से किस आ जाएंगे आर की पावर 3, हाँ या ना, इक्वल टू आपने कहा आ जाएंगे, तो बताओ इक्वल टू आ गया अपने के पास 1000। यहां से आपने कहा एक चीज की गड़बड़ी कर दी यहां पर, ठीक है, ये ए स्क्वायर होगा, यहां से भी स्क्वायर होगा और यहां से आपने कहा आ जाएंगे तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ए इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो यहाँ से अपने क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर और आर की पावर अपने कहा 3, इन पूरे का अपने कहा होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना, ठीक है। और इसको अपने कहा 36 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, देख लो। तो यहाँ से अपने कहा ए स्क्वायर आर क्यू इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 36 का होल स्क्वायर यानी 36 बराबर। अब बोलोगे प्लस माइनस लिखो, तो यहाँ पर अपने कहा पॉजिटिव दे रखा है, जब पॉजिटिव दे रखा है तो अपने कहा प्लस माइनस काहे का, ठीक है। तो यहाँ से अपने कहा बताओ ये अपने के किस बराबर जाएंगे, तो यहाँ से अपने के पास ए स्क्वायर इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया 36 और अपॉन में आर क्यू के बराबर। हम ए का वैल्यू निकाल लेते हैं, ए इक्वल टू आ गया अपने के 6 अपॉन में आर की पावर 3/2 के बराबर, हाँ या ना, इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ए इक्वल टू आ गया अपने के पास, कुछ नहीं कि ए इक्वल टू इतना कैलकुलेशन आनी चाहिए, अगर इतना नहीं आता तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ठीक है। अब अपने के पास क्या करा है कि इसका सम दे रखा 126 यानी ए प्लस ए आर प्लस टाइम्स ए आर स्क्वायर और प्लस टाइम्स के बराबर दे रखा ए आर क्यू इक्वल टू दे रखा 1126 के बराबर। यहाँ से ए ऐसे भी कॉमन आ रहा है, तो 1 प्लस आर प्लस बताओ यहाँ से आ गया अपने कहा 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर प्लस टाइम्स यहाँ से आ गया अपने कहा आर क्यू इक्वल टू आ गया अपने कहा 126 बराबर। ए का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर बताओ, तो यहाँ से आ गया 6 अपॉन में यहाँ से आ गया अपने के पास आर की पावर 3/2 और इन टू किस बराबर जाएंगे 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर और प्लस टाइम्स यहाँ से आ गया अपने कहा आर क्यू इक्वल टू आ गया अपने कहा 126 बराबर। जो कैंसिल आउट रहा है कैंसिल आउट कर लो, जो बच रहा है उसको बचा लेते हैं। तो यहाँ से आ गया अपने कहा 6 2 12 6 कम 6 यहाँ से अपने कहा इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस इसको सारे को अपने कहा आर को डिवाइड कर लो, तो 1 अपॉन में आर की पावर 3/2 प्लस टाइम्स आर अपॉन में आर की पावर 3/2 प्लस टाइम्स यहाँ से अपने के पास किस जाएंगे आर स्क्वायर अपॉन में आर की पावर 3/2 और प्लस टाइम्स यहाँ से अपने कहा किस बराबर जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने कहा आर की पावर 3 और अपॉन में आर की पावर 3/2 इक्वल टू आ गया अपने कहा 21 के बराबर। यहाँ से अपने कहा क्या कीजिए, जो सब अपने के पास ऊपर जा रहा है ऊपर जाकर के लिख लो, आर की पावर आ गया -3/2 के बराबर प्लस टाइम्स यहाँ से आर की पावर 1 -3/2 बताओ,
वन माइनस दो एकम दो, दो में से एक ही आएगा तो आप इनके आ जाएंगे माइनस वन अपॉन टू के बराबर। प्लस टाइम्स यहाँ से आ गया अपने के पास टू माइनस थ्री बाई टू, दो दो नहीं चार, चार में से एक जाएगा तो आपने के पास वन अपॉन आर की पावर वन अपॉन टू बचेगा। ठीक है, यहाँ से आपने के पास तीन बताओ तो ये आ गया तीन दूनी छः, छः में से तीन जाएगा तो यहाँ से आ गया प्लस टाइम्स आर की पावर माइनस टाइम ये आ गया अपने के पास थ्री अपॉन टू के बराबर, इक्वल टू आ गया ट्वेंटी वन के बराबर। हाँ या ना, ये आ गया अपने के पास थ्री अपॉन टू को एक तरफ लिख लो आर की पावर माइनस थ्री अपॉन टू और प्लस टाइम्स यहाँ से आर की पावर थ्री अपॉन टू, प्लस टाइम्स यहाँ से बताओ आर की पावर माइनस वन अपॉन टू और प्लस टाइम्स आर की पावर वन अपॉन टू इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर ट्वेंटी वन के बराबर। ये अपने पास आर में एक इक्वेशन आ गया, किसमें आ गया आर में अपने पास एक लंबा चौड़ा इक्वेशन आ गया। यहाँ से अपने पास क्या करो, ऐसे अपने पास बेसिक मैथमेटिक्स जब हम पढ़ाते हैं तब इसको सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। यहाँ से अपने पास बताओ कैसे सॉल्व किया जाए, तो सॉल्व अपने पास यहाँ से क्या आ गया आर की पावर माइनस थ्री अपॉन टू प्लस टाइम्स आर की पावर थ्री अपॉन टू प्लस टाइम्स आर की पावर आपने के किस बराबर है बताओ माइनस वन अपॉन टू के बराबर और प्लस टाइम्स आर की पावर प्लस वन अपॉन टू के बराबर इक्वल टू आ गया ट्वेंटी वन के बराबर। इसमें आपने के पास क्या करो, ऐसा टर्म को अल्फा मानो या बीटा गामा कुछ भी मान लो, ऐसा मानो ताकि हमारे पास ये भी टर्म उसमें से आ जाए। यहाँ से हम क्या मानते हैं आर की पावर माइनस वन अपॉन टू और प्लस टाइम्स आर की पावर वन अपॉन टू, इसको हम क्या मान लेते हैं अल्फा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं अल्फा मान लेते हैं। मान सकते हैं इसको अल्फा, हाँ इजीली मान सकते हैं। जब इसको अल्फा मान लेते हैं इसको हम इनके पास क्या कर लो इधर लिख लेते हैं। ठीक है, इसको अपने के पास यहाँ पर बताओ, इसको जब हम अल्फा माने तो यहाँ से अपने के पास क्या करें, अब हम इसकी मदद से इसको बनाने की कोशिश करते हैं। बताओ यहाँ से अपने के पास क्यूब बोथ साइड क्या करते हैं, क्यूब बोथ साइड जैसे क्यूब करेंगे तो यहाँ से आर की पावर क्या आ गया माइनस थ्री अपॉन टू के बराबर प्लस टाइम्स ए प्लस बी का होल क्यूब, तो आर की पावर आ गया अपने के पास थ्री अपॉन टू के बराबर प्लस टाइम्स यहाँ से आ गया अपने के पास बराबर थ्री इंटू आर की पावर थ्री अपॉन टू के बराबर और इंटू किस तरह हो जाएंगे तो आर की पावर सॉरी आर की पावर थ्री अपॉन टू नहीं आर की पावर आगे किस बराबर माइनस वन अपॉन टू के बराबर और इंटू आर की पावर आ जाएंगे अपने पास वन अपॉन टू के बराबर। हाँ यहाँ थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, तो आर की पावर वन अपॉन टू के बराबर माइनस टाइम्स और प्लस टाइम्स आर की पावर वन अपॉन टू इक्वल टू अपने आ जाएंगे अल्फा क्यू के बराबर। हाँ या ना, ठीक है। अब अपने पास यहाँ से क्या करो, तो इसका वैल्यू हमारे पास दे रखा है, ये वैल्यू अपने पास वन के बराबर होता है, देख लो अपने पास बेस सेम पावर अपने पास एट हो जाएगा जीरो आर की पावर जीरो वन के बराबर। और ये अपने पास बताओ ये अपने पास किस बराबर है, तो इसको ए अल्फा के टर्म में लिख लो आर की पावर माइनस थ्री अपॉन टू प्लस टाइम्स आर की पावर आ गया अपने पास थ्री अपॉन टू के बराबर प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास थ्री मल्टीप्लाइड बाय वन और इंटू ये अपने पास अल्फा के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास अल्फा क्यू के बराबर। यहाँ से अपने पास बताओ इसका वैल्यू अपने पास डायरेक्ट आ जाएगा, बताओ इसका वैल्यू अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो इसका वैल्यू आ गया अपने पास इक्वल टू अल्फा क्यू और माइनस टाइम्स थ्री अल्फा के बराबर। हाँ या ना, ठीक है। जब ये इसके बराबर आ गया इसका वैल्यू अपने पास कहाँ चिपका दो, ऊपर वाली इक्वेशन में, चलो ऊपर वाली इक्वेशन में फटाफट चिपकाओ। जैसे ही फटाफट चिपकाएंगे तो यहाँ से आ गया अल्फा क्यू माइनस टाइम्स थ्री अल्फा और यहाँ से आ गया अपने किस बराबर प्लस टाइम्स अल्फा और इक्वल टू आ गया ट्वेंटी वन के बराबर। यहाँ से सॉल्व करोगे तो अल्फा क्यू और माइनस टाइम्स टू अल्फा और इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर ट्वेंटी वन के बराबर। हाँ या ना, ये आ गया अपने किस बराबर अल्फा में, अल्फा के अपने पास तीन अलग अलग वैल्यू आएगा, यानी तो अपने पास तीन अलग अलग वैल्यू आएगा आपके मोए मोए हो जाएगा। इसको अपने पास देख लो कि ये अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो एक ही वैल्यू आ सकता है। तो यहाँ से अपने पास एफ डैश एक्स बताओ, तो एफ डैश अल्फा बताओ, हम बस चेक कर रहे हैं कि इसके अपने पास कितने वैल्यू आएंगे। एफ डैश अल्फा अपने पास आ जाएंगे थ्री अल्फा स्क्वायर और माइनस टाइम्स टू और ये आ गया जीरो के बराबर। ये ऑलवेज यहाँ से अपने के पास थ्री अल्फा स्क्वायर, अल्फा का वैल्यू अपने पास पॉजिटिव डालोगे वन बाई टू वन बाई फोर। यहाँ से अपने के पास अल्फा के लिए अपने के पास नहीं, इसको अपने पास ऐसे सॉल्व नहीं करो, यहाँ से अपने पास अल्फा के लिए सॉल्व करोगे ना तो यहाँ से अपने पास अल्फा का सिर्फ और सिर्फ तीन ही वैल्यू आ सकते हैं। अल्फा इक्वल टू आ गया तीन वैल्यू नहीं, अल्फा इक्वल टू थ्री आ जाएगा। देख लो हिट एंड ट्रायल मेथड से अल्फा के इक्वल टू तीन डालोगे तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तीन दिया नौ दिया सत्ताईस और यह आ गया किस बराबर, तो यहाँ से आ गया अपने के पास तीन दूनी छः के बराबर। हाँ या ना, तो यह आ गया सत्ताईस में छः जाएगा इक्कीस बराबर, अल्फा इक्वल टू अपने के पास आ जाएंगे थ्री के बराबर। और अपने पास कोई भी अल्फा यहाँ से अपने के पास सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो जैसे अपने पास अल्फा इक्वल टू किस बराबर हो गया थ्री के बराबर, जब अल्फा इक्वल टू थ्री आ गया तो यहाँ से अपने कैसे बताओ ये क्या लिखा हुआ है, तो अल्फा का वैल्यू अपने कैसे माने क्या थे, तो जो माने थे वो चिपका दो, अल्फा की पावर माइनस वन अपॉन टू के बराबर और प्लस टाइम्स अल्फा की पावर वन अपॉन टू इक्वल टू आ गया अल्फा के बराबर। यहाँ से आ गया अपने कैसे वन अपॉन अल्फा यानी थ्री के बराबर हो जाएंगे ना, इक्वल टू आ गया अपने कैसे बराबर थ्री के बराबर। यहाँ से अपने कैसे बताओ, तो यहाँ से आ गया अपने के पास वन अपॉन अल्फा स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा इक्वल टू आ गया अपने के पास थ्री के बराबर। यहाँ से वन प्लस अल्फा इक्वल टू आ गया अपने के पास थ्री स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा के बराबर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ से आ गया अपने के पास वन प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस टाइम्स टू अल्फा इक्वल टू आ गया किस बराबर सिक्स अल्फा के बराबर। हाँ या ना, यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे सिक्स अल्फा। अब यहाँ से अपने के पास क्या कर लो, तो अल्फा नहीं है भाई, यहाँ से अपने के पास ये आर है नॉट अल्फा, यहाँ से अपने के पास ये क्या है, ये आर को माने थे ना, ये आ गया अपने के पास, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लो,
दिस वन इज द आर नॉट अल्फा, ये सारे आपने पास क्या है आर है, अल्फा का वैल्यू तो हमें निकालना ही था, ठीक है ये आपने पास जाने दो। तो यहाँ से आपने किस तरह आ जाएंगे, ये आर के पावर माइनस वन और आर के पावर वन बाई टू, ये आर हो गया ये भी आर हो गया, जैसे आपने कहा मल्टीप्लाई करेंगे तो वन प्लस आर के बराबर और ये आ गया आपने कहा आर के बराबर, हाँ या ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो वन प्लस आर स्क्वायर प्लस टू आर प्लस टाइम सिक्स आर के बराबर, हाँ या ना, सिक्स आर नहीं बल्कि आपने कहा ये नाइन आर हो जाएंगे, देख लो आपने कहा थोड़ा बहुत करेक्शन कर लो। तो यहाँ से आगे आपने कहा स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो एक सौ आ जाएंगे नाइन आर के बराबर, यहाँ से आपने कहा बताओ तो ये आ गया आपने पास आर स्क्वायर और माइनस टाइम सेवन आर के बराबर और यहाँ से आ गया किसके बराबर प्लस टाइम्स वन इक्वल टू आ गया जीरो के बराबर। अब हमारे पास आर में क्या आ गया, क्वाड्रेटिक आ गया, जब आर में क्वाड्रेटिक आ गया तो इसको सॉल्व कीजिए, लेकिन एक बार क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, इसका फैक्टर तो पॉसिबल है नहीं, क्वेश्चंस में आपने क्या करा है कि देन द सम ऑफ कॉमन रेशियो ऑफ ऑल द जीपी, ये सारे जीपी का कॉमन रेशियो पूछ रहा है, यानी अगर आपने के पास इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक तो आपने के पास आर वन आएगा ठीक है और एक आपने के पास आर टू आएगा, दो कॉमन रेशियो आएगा, सम ऑफ रेशियो पूछा है तो यहाँ से आपने क्या सम आपने के पास हो जाएंगे सम बताओ, तो यहाँ से आपने के पास सम किसके बराबर जाएंगे बताओ, सम इक्वल टू आ गया आपने आर वन प्लस आर टू के बराबर, आर वन प्लस आर टू इसके रूट से तो है आपने के इसका सम, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से आ गया आपने सेवन अपॉन वन के बराबर, यानी एक सौ आ जाएंगे सेवन के बराबर, डायरेक्ट आपने कहा थ्योरी ऑफ इक्वेशन लगाओ और खुश रहो, तो सम ऑफ रूट्स किस आ जाएंगे माइनस बी अपॉन ए लगाएं और खुश रहें, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है इसका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ये थे आपने कहा जेई मेंस के 31 जनवरी 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन था, सोचने वाला क्वेश्चन था, जैसे ही अपने के पास चार टर्म देखा इसको अपने के पास न जाने अनजाने में अपने के पास डायरेक्ट इसको चार टर्म अपने के पास वो वाला मान लेते जो कि स्टैंडर्ड माना जाता है ठीक है, लेकिन अपने के पास ऐसा मानने से आपकी पावर सिक्स जाएंगे तो कि जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सॉल्व करने में, सॉल्व कर सकते कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूँ नया शेड्यूल में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।